I do. I don't know if he will be well to help you. Now Yuri said to Albert because he don't know about that doctor. He will be helping. वो कहता है कि मुझे पता है, लेकिन मैं ये नहीं जानता कि वो तुम्हारी मदद करेगा कि नहीं. He will declared Albert. According to Albert, definitely that doctor will be help me. उसको लगता है कि वो जरूर करेगा, वो करेगा. I am going to have a real nervous breakdown to make it easier for him. He laughed merrily. After that, why he was confident himself? Because he know about his mind, how he will be to himself. He know that definitely he will become a real nervous breakdown, and that's why that doctor will be definitely helping. वो बताता है कि मैं अपने आप को क्या कर लूँगा, रियल में नर्वस ब्रेकडाउन कर लूँगा, जिससे उस डॉक्टर के लिए और भी आसान हो जाएगा. वो इतना कहने के बाद वो हंसने लगता है. I have never seen you looking less nervous, remarked Yuri. After that, Yuri told to Albert Einstein. He said that because before Einstein, he have never seen him as a nervous breakdown. लेकिन यूरी कहता है यार मैंने तो तुमको इससे पहले कभी भी नर्वस ब्रेकडाउन करते हुए देखा नहीं है. A day or two at school will soon put that right, Albert assured him. As a day or two days or later, definitely school will be known this. अब बताने लगते हैं यार एक या दो दिन में उसका स्कूल इस बारे में क्या सही जान जाएगा. अब सही सही जानने का मतलब क्या है? Because it's the problem of nervous breakdowns. Suddenly he had lost his high spirit when Yuri saw him next. उसके बाद जैसे वो आगे देखने लगता है तो यूरी क्या करता है, उसको देखता है, फिर वो रियल्स में उन चीज़ों को करने लगता है और कहता है कि वो ज़्यादा देर खड़ा नहीं रह सकता. मतलब अपने आप को कौन बताता है? बट कहता रहता है कि विल बी नॉट स्टैंड एज द लॉन्ग टाइम, ज्यादा देर तक खड़ा भी नहीं रह सकता. इट मीन्स ही वॉन्ट टू शो एज द रियल नर्वस ब्रेकडाउन पेशेंट. वो एक रियल नर्वस ब्रेकडाउन का पेशेंट है. इस तरीके से अपने आप को क्या कराने लगता है, वो शो कराता है रियली कि वो उसका सही में क्या है, नर्वस ब्रेकडाउन है, जिससे कोई भी देखे उससे क्या हो जाएगा, यहाँ तक कि डॉक्टर भी, कोई भी डॉक्टर भी उससे सेटिस्फाइड हो जाएगा. तभी यूरी कहता है कि हाँ ये ठीक है, लगे रहो तुम. और ऐसे करके वो बताने लगता है कि मैंने तुम्हारे लिए क्या किया है, डॉक्टर ढूंढ लिया है. तो अल्बर्ट उससे कहता है, उसके फेस में वो लाइट अप आने लगता है बिकॉज ही वॉज वेरी हैप्पी व्हेन ही वॉज हर्ड अबाउट ही हैड फाउंड अ डॉक्टर फॉर हिम. अब वो बहुत खुश हो जाता है, उसका फेस एकदम लाइट ग्लो होने लगता है. सही में तुमने ढूंढ लिया? इस तरीके से उसके फेस का जो एक्सप्रेशन होता है वो बहुत ज़्यादा खुश होता है. यार तो इसलिए खुश होगा ना, क्योंकि जो वो चाह रहा था वो वही चीज़ें उसके सामने, वो चीज़ें मिल रहा है फाइनली. उसका जो फ्रेंड है यूरी, यार वो वही चीज़ तो दे रहा है ना जो वो एटलीस्ट चाह रहा था. इसलिए उसके फेस में वो लाइट्स आने लगता है और कहता है कि ओ गुड, ये तो बहुत अच्छी बात है. तो कहने लगता है कैन आई सी, क्या मैं उसको देख सकता हूँ? तभी बताने लगता है कि ऑलरेडी उसने नेक्स्ट टुमारो का जो इवनिंग टाइम्स है उस टाइम्स क्या कर लिया, उसको अपॉइंटमेंट फिक्स कर लिया है. एंड बिकॉज एंड हु टोल्ड दिस, यूरी कहता है कि ऑलरेडी उसने अपॉइंटमेंट ले लिया है. वो अपॉइंटमेंट का टाइम्स क्या था, नेक्स्ट डे इवनिंग टाइम्स. फाइनली वो बताने भी लगता है कि एड्रेस को. अब अल्बर्ट क्या था, एक उसके हैंड में एक पीस ऑफ पेपर देता है. अब वो पेपर क्या का था, वो था उसका अपॉइंटमेंट पेपर. अब जैसे डॉक्टर, इससे पहले ही मैंने जब फर्स्ट ये अब इस चैप्टर्स को स्टार्ट किया तो मैंने कैरेक्टरिस्टिक्स इसमें चैप्टर्स डॉक्टर्स के नेम बता ही लिया था. वो डॉक्टर्स का नेम क्या था, अंशवेल. तो डॉक्टर अंशवेल क्या थे, जो कि एक स्पेशलिस्ट थे, वो थे नर्वस ब्रेकडाउन का. तो वो पूछने लगता है, कौन पूछता है, अल्बर्ट आइंस्टाइन, कि क्या वो रियल में नर्वस ब्रेकडाउन के स्पेशलिस्ट हैं. तो यूरी उस समय बताता है नॉट एग्जैक्टली, क्योंकि वो अभी अभी क्या हुआ है, अपना क्वालिफिकेशंस डॉक्टर का कंप्लीट किया है,
एज अ वीक. सो ही हैव बिकम एज द फर्स्ट पेशेंट. मे बी वो तुम पहले पेशेंट ही हो सकते हो, बिकॉज वेन जस्ट ही हैव डन एज द वन वीक फॉर हिज कंप्लीट हिज क्वालिफिकेशन. अभी एक सप्ताह ही हुआ है उस क्वालिफिकेशन पूरा किए हुए, तो मे बी तुम पहले पेशेंट ही हो सकते हो. इस तरीके से क्या करने लगता है यूरी, उसको बताने लगता है कि तुम जानते हो एज अ स्टूडेंट. तुमको कहने लगता है कि तुम मतलब उसको स्टूडेंट थे तब से उसको जानते हो. कौन बोलने लगता है? अल्बर्ट यूरी से कहता है. फाइनली वो बताने लगता है कि वो उसको सालों से जानता है. किसको? अल्बर्ट जब पूछता है तो यूरी रिप्लाई करता है कि एंस्टन जो एंस्टवेल है वो उसको सालों से जानता है, जब वो क्या था एज अ स्टूडेंट था. वो बताने लगता है कि फ्यू मोमेंट्स के लिए पहले हेजिटेट करता है, इज नॉट अ फूल. अब वो ये कहने लगता है वो फूल नहीं है, इतना मूर्ख भी नहीं है जो क्या करे. वो उसको वॉर्न करता है अल्बर्ट को कि वो इतना फूल नहीं है. तो पूछने लगता है कि वॉट डू यू मीन, तू क्या कहना चाहती हो, तुम्हारा कहने का मतलब क्या है. डोंट ट्राई टू पुल वूल ओवर हिज आइज. तुम उसको कितना भी मूर्ख मत समझना, तुम उसको इतने आँख से भी वो मत करना, क्योंकि वो क्या है यू फ्रेंड विद हिम, किसी से भी तुमसे भी इतना फ्रेंड्स हो जाएगा. बट डोंट प्रिटेंड यू हैव टू गॉट योर हेवन. लेकिन तुम इतना भी बहाना बनाने की कोशिश मत करना. बिकॉज व्हाई ही वाज एज एक्सक्यूजेस बिकॉज ऑफ ही विल बी नॉट वांट टू एनी एज द डिपेंड ऑफ हिज नर्वस ब्रेकडाउन. कि उतना भी झूठ बोलना कि वो सब चीज़ कर जान ले. योर वर्ल्ड वॉस्ट लायर तुम बताने लगता है कि तुम क्या हो, दुनिया के सबसे झूठे इंसान हो. अल्बर्ट इस पे नेक्स्ट डे, जैसे अल्बर्ट क्या करता है नेक्स्ट डे डॉक्टर्स के पास जाता है तो बताने लगता है जैसे एज द टाइमिंग व्हेन हैव अ अपॉइंटमेंट टाइम दे हैव टाइम हैव अराइव्ड देयर. जो एक टाइम्स था उस टाइम्स पे फाइनली वो अल्बर्ट क्या होता है पहुंच जाता है. सो ही वाज शोइंग हिज द ही हैड टू वरी ओवर इट इज मच. अब जैसे वो उसके पास पहुंचता है किसके पास, डॉक्टर के पास, या वो तो रिगम में उसको कुछ तो हुआ नहीं था. बट फाइनली ही वाज वरी, दैट्स व्हाई ही वाज जस्ट रियल नर्वस ब्रेकडाउन. जैसे उसके पास जाता है उनको चिंता हो जाता है, उसको वॉरी हो जाती है, तो फाइनली वो रियल एक नर्वस ब्रेकडाउन का पेशेंट जैसा हो जाता है. वो जानता भी नहीं था कि वो कैसे अपनी जो इश्यूज है अपनी प्रॉब्लम्स है वो डिस्क्राइब करे. इसके पास डॉक्टर के पास फाइनली डोंट ट्राई. अब डॉक्टर्स कहने लगता है बिकॉज ही हैज नॉट एवरीथिंग एंड ऑलरेडी हिज फ्रेंड ड्यूरी हैव टोल्ड एवरीथिंग अबाउट अल्बर्ट आइंस्टाइन. That's why he told him, don't try to explain, I know everything. यार कोशिश मत कर, मुझे सब पता है. तो वो शौक होता है यार इसको कैसे पता. अब बताने लगता है कि because you have told me everything about you. कि तुम्हारे पास सब कुछ उसने क्या किया है बता दिया है कि तुमको क्या प्रॉब्लम है, तुम क्या चाहते हो स्कूल में, यही चाहते हो कि तुम एक नर्वस ब्रेकडाउन हो और तुम वापस स्कूल नहीं जाना. अरे यार अल्बर्ट फेस फेल वो ज़्यादा कुछ उसके फेस में वो जो लाइट्स थी वो चली गई. ऐसा यूरी ने क्यों किया, क्यों बता दिया मुझे ये सब चीज़. इस तरीके से वो बहुत ज़्यादा क्या हो जाता है अनहैप्पी हो जाता है. फाइनली यूरी ने ऐसा क्यों कर दिया. अब बोलना लगता है वाई नॉट इजंट दैन ट्रू, क्या ये सही नहीं है. क्योंकि जब डॉक्टर पूछता है यार वो तो बताया वो तो सही है ना, बिकॉज ही इज टोल्ड मी अबाउट योर सो दैट्स ट्रू. पूछने लगता है कि हाँ वो बताया वो तो सही है. तो कि रिप्लाई करता है कि हाँ वो सही है मानता है, बट नथिंग रॉन्ग विथ मी, मेरे से कुछ गलत तो हुआ नहीं है. एटलीस्ट वो ये भी कहता है कि वो वापस स्कूल जाएगा, लेकिन वो उसके लिए अभी भी क्या नहीं है श्योर नहीं है. फाइनली वो जो भी मैटर्स था वो उससे कहने लगता है कि वो क्या करना चाहता है, अपना नर्वस ब्रेकडाउन करके अपने स्टेट वापस जाना चाहता है. लेकिन जैसे वो बताने लगता है आई हैवंट टोल्ड यू एनीथिंग अबाउट इट सेड अल्बर्ट वाइड आई, खुले आंखों से वो कहता है मैं अभी तक इसके बारे में कुछ भी नहीं कहा हूँ. तो तुम कैसे जानते हो, तो वो बताता है क्योंकि उसका फ्रेंड ने क्या किया है उन सब चीज़ों को बता दिया है. अब वो बताने लगता है कि वो फाइनली जाना कहाँ चाहता है, बिकॉज ही वॉन्ट टू गो इटली एंड टू मी.
मिलान, वो इटली से अपने मिलान जाना चाहता था क्योंकि वेयर देयर माई पेरेंट्स, क्योंकि वो उनके पेरेंट्स वहाँ पर थे। एंड व्हाट विल यू डू देयर, तब डॉक्टर्स वहाँ पर पूछता है क्या तुम मिलान तो जाना चाहते हो, इटली जाना चाहते हो, बट व्हाट यू विल बी डू देयर, व्हाट यू विल बी डू देयर, तुम वहाँ पर क्या करोगे। तो बताने लगता है कि वो इटालियन जो कॉलेज है और इंस्टीट्यूट है वो उसमें एडमिशन लेना चाहता है। हाउ कैन, तभी डॉक्टर्स कहता है कैसे तुम एडमिशन ले सकते हो, बिकॉज विदाउट डिप्लोमा, या तुमने तो अपना डिप्लोमा यहीं पूरा नहीं किया है, तो कोई कॉलेज तुम्हें कैसे एडमिशन दे सकता है। तभी वो कहता है बिकॉज ही विल बी आस्क हिज मैथमेटिक्स टीचर्स, व्हाई, बिकॉज ऑफ हिज लव मैथमेटिक्स, इफ ही विल बी कि ही विल बी लव इनफ, सो डेफिनेटली ही विल बी एज द इंटर द कॉलेज। वो बताने लगता है कि अगर वो उसे अपने मैथमेटिक टीचर से बात करेगा, वो अगर उसके बारे में उनके वर्क बारे में कुछ भी लिख कर दे देते हैं तो जरूर उसके मैथ्स क्या होगा, मैथ्स टीचर एट स्कूल पीट मोर ही एडेड वेन डॉक्टर वेन लुक एट डाउटफुल। लेकिन वो बताने लगता है कि अगर उसके मैथ्स टीचर्स ने लिख कर दे दिया कुछ भी तो वो जरूर उसमें इंटरेस्ट कर लेगा। तभी उसका जो डॉक्टर होता है वो उसको शौक तरीके से देखने लगता है, वो बताने लगता है कि अभी भी डाउट है कि उसका मैथ्स टीचर्स वो उसको क्या करेगा, राइट करके देगा। एटलीस्ट वो उसको बताने लगता है कि स्टैंडिंग हियर तुम यहीं पे रुको, यू विल बी मी से यू शुड स्टे फ्रॉम स्कूल, तो इस स्कूल में रह जाओ, वो जब 6 months भी ऑल राइट, 6 months से ज़्यादा तो लगेगा भी नहीं, तो तुम यहीं रुक जाओ, दिस इज़ वेरी काइंड ऑफ यू, ये तुम्हारे लिए अच्छा है, नथिंग आई हैव नॉट स्टॉप्ड बीइंग अ स्टूडेंट माई सेल्फ। लेकिन जो अल्बर्ट होता है वो बताने लगता है कि वो क्या करना चाहता है, अपने आप को एज ए स्टूडेंट, सो आई नो यू फील, तो आप समझ सकते हो कि कैसे मैं फील कर रहा हूँ, हियर यू आर डॉक्टर हेल्थ एंड गेट हिम सर्टिफिकेट एट द बेस्ट ऑफ लक। अब उसके बाद वो बताने लगता है कि 6 माह ज़्यादा तुम तो रहोगे नहीं, तो वो एक सर्टिफिकेट बना के दे देता है कौन डॉक्टर, और फाइनली वो उनसे कहता है कि अब बेस्ट ऑफ लक, क्यों बेस्ट ऑफ लक, क्योंकि वो उस स्कूल से जाना चाहता था। हाउ मच करके जब उनसे पैसे की बात बोलता है तो बोलता है नथिंग, इफ यू हैव एनीथिंग टू स्पेयर व्हाट यू टू अ मील, अब बोलता है कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, हाँ अगर आप ऐसा ही देना चाहते हो तो क्या करो, यू विल गिव योर फ्रेंड फॉर योर मील, अगर तुम कुछ देना ही चाहते हो तो क्या करो, यूरी को खाने के लिए बुला लो, ही इज अ गुड फ्रेंड ऑफ माइन एंड योर्स टू, वो एक बहुत अच्छा फ्रेंड है और तुम्हारा भी है, मुझे लगता है कि वो मेरा भी अच्छा फ्रेंड है और तुम्हारा भी, बेटर है कि तुम क्या कर लो, उसको खाने पे बुला लो। अल्बर्ट हैड नो मनी टू स्पेयर बट ही वाज आस्किंग हिम अबाउट द मनी बट ही हैव नॉट अ मनी फॉर स्पेयर, अल्बर्ट के पास इतना पैसा नहीं था कि वो उसको दे सके, बट क्या करता है वो प्रिटेंडेंट, वो लेकिन बहाना बनाता ही है नॉट टू ग्यूरी और टू सुपर, अब वो बहाना बनाता है कि यार उसके पास पैसा है, लेकिन रियल में उसके पास स्पेयर के लिए पैसा था ही नहीं। अब वो क्या करता है ग्यूरी और टू सुपर, वो बताने लगते कि वो हाँ बहुत अच्छा फ्रेंड है। इस तरीके से वो यूरी और जो डॉक्टर क्या थे अंशवेल, उसके बीच में ये कन्वर्सेशंस होने लगता है।